फाइव का सोशल स्टडीज़ का ये जो चैप्टर है सिक्स ग्रीनलैंड, उसका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है वहाँ पर चैप्टर नंबर कुछ आपका और दिया होगा, चैप्टर सिक्स की जगह चैप्टर सेवन भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, द लैंड ऑफ द आइस एंड स्नो, या हो सकता है लैंड इन द टुंडा रीजन। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स, इस क्वेश्चन को उतारा नहीं, सिर्फ आपको आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट है द डे सर्किल पासेस थ्रू ग्रीनलैंड, तो कौन सा सर्किल पास करता है, तो इसको आप जो है इसको भरिए पहले अपने पास, भरने के बाद देखें जैसे धीरे धीरे हम ऊपर इसको स्लैश कर रहे हैं, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको भरिए, कि जैसे लिखिएगा सिर्फ ऑप्शन लिखना है, जैसे बी का वन ह्यूज पीसेस ऑफ आइस आइस फ्लोटिंग इन द सी आर नोन एज, कौन सा आइस पर कहलाता है, ए बी सी डी, उसका ऑप्शन डालिए। तो ये पाँच है, उसके बाद जब आगे आगे हम कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स आप ये लिखिए, पांच जो ट्रू फॉल्स है इसको करेक्ट करिए। द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ग्रीनलैंड इज कॉल्ड द गोटस्टॉप, ट्रू फॉल्स सिर्फ लिखना है, इसका आंसर ये नहीं करना है आपको, सिर्फ सी का वन ट्रू है या फॉल्स इसको लिखिए पढ़ते हुए। फिर डी जो है दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन का आप कॉपी में उतार लीजिए, फिर इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। डी का वन है डिस्क्राइब द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द ग्रीनलैंड, सेकंड है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द लाइफ ऑफ द इनट अर्लियर एंड एज इट इट इज़ टूडे। अब इसका लिखे होंगे तो इसका आंसर जैसे आप मैच कर लीजिए, जैसे पहला जो फिल इन दी ब्लैंक्स था इसको मैच करिए, फिर बी का मैच करिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, फिर सी को मैच करिए जो ट्रू फॉल्स था, फिर डी का आंसर को आप लिखिए, अगर आप अगर लिखे होंगे उसका आंसर को तो गलत हो रहा होगा, तो इसको मैच करिए और ऑनेस्ट रहिए, पहले आंसर लिख लीजिए तब मैच करिएगा, तो आपको ज़्यादा आसान होगा। उम्मीद है इसको मैच किए होंगे। फिर टू का जैसे है, टू का आप आंसर्स को लिखिए, अगर मैच कर लीजिए सही है तो लिखने ज़रूरत नहीं है, गलत है आप इसको मैच करिए। यहाँ पर जो बोल्ड जो डॉट दिए इसको गुड डॉट दिए, तो वन भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, थ्री भी, इससे पॉइंट भी दे सकते हैं। उम्मीद है मैच कर लेंगे, और इसका जो वीडियो है नोट्स का वो भी मैंने डाला हुआ है, तो उसको लिंक में डाल देंगे। थैंक यू।